हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मौसम फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है भाई। हर तरफ मौसम में फॉगी हो चुका है और ठंड भी काफ़ी तेज है। तो गाइस, अभी मेरे को चलना है अपनी बाइक को लेकर सर्विस सेंटर, क्योंकि अपनी बाइक की सर्विसिंग कराना है। एक्चुअली मैं सर्विस सेंटर नहीं जाता हूँ, मैं बाहर में ही सर्विस कराता हूँ। तो चलता हूँ फटाफट से यार बाइक को सर्विस के लिए लेकर, क्योंकि बाइक की काफ़ी दिन से मैंने सर्विस नहीं कराई। तो चलते हैं फटाफट से यार नीचे। चलो हम आते हैं बाइक की सर्विसिंग कराकर, ठीक है ना, फिर बैडमिंटन खेलेंगे। तो आज ना गाइस देख लो, अपनी बाइक की हालत कुछ ऐसी है और आज ना बिल्कुल एकदम चकाचक हो जाएगी। तो चलते हैं फटाफट से, आते हैं इसकी सर्विस करा के। कहाँ जा रहे तुम लोग? ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। जैसे जैसे भाई दिन और जा रहा है ना, जनवरी जैसे जैसे खत्म हो रहा है, वैसे वैसे ना ठंड काफी तेज बढ़ती चली जा रही है। और यार सच में आज फिर से मौसम ना देख लो, बिल्कुल आज भी धूप नहीं निकलने वाला भाई। एक दिन धूप निकलता है फिर मौसम वैसे ही हो जाता है। और आज ना बाइक को कराते सर्विस, यार काफी टाइम से ना बाइक की सर्विस नहीं कराई है। तो बाइक में ना भाई जहाँ तहाँ से ना इरिटेटिंग आवाज आने लगी है। और कल बाइक को हम लोग लेके जा रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग राइड पे लगभग कल, तो कल हमारी बाइक ना अप्रॉक्स 200-250 किलोमीटर चलने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले सर्विस करा देता हूँ, वरना कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गया तो भाई फालतू में फंस जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। और देख लो फिर से ट्रैफिक का वही हाल है यार, यहाँ पे तो हर टाइम ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलता है। टाइम हो रहा है लगभग 11 बजे के आसपास का, तो अभी फटाफट से सर्विस के लिए दे देंगे ना, तो हमें क्या ना 1-1.5 घंटे में हमें अपनी बाइक मिल जाएगी। हो चुके हैं भाई सर्विस वाले के पास में ना, और मस्त यहाँ पर लगाते हैं अपनी बाइक की और कराते हैं सर्विस। सर्विसिंग कराना दोस्त, कहाँ गया भाई, कहाँ पे चलना है? गली में लोग उतरे हैं ना, गली में बताना ये वाला मैं। हाँ, तो यार अभी चल रहे थोड़ी सी बाइक की सफाई करवाने के लिए, वॉश करवाना है ना। सर्विस से पहले वॉश हो जाता है तो थोड़ा बढ़िया होता है सर्विस करने वाले को। खाली तो है लगता है, खाली है, चढ़ा दे चढ़ा कर देगा भाई थोड़ा बढ़िया से यार, धोधा देगा। चलो हो गया दोस्त, चले। तो गाइस फाइनली बाइक की हो चुकी है क्लीनिंग। तो अभी काफ़ी देर ना वॉश कराने के बाद भाई बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ। सुनिए ना, थोड़ा बढ़िया से करिएगा, समझ गया ना, कहे आज चलेगा लगभग 2-3 घंटे। हाँ ठीक है ना, थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। लो जी लो भाई, अपनी बाइक जो है पूरी खुल चुकी है। तो अभी मस्त सर्विस हो रही है भाई, पूरा बढ़िया से सर्विसिंग करा रहा हूँ बाइक की यहाँ पे बैठ के सामने। डलवाने के लिए नहीं डलवाते हैं, लॉन्ग टर्म डलवा लेना है। तो गाइस फाइनली भाई बाइक की हो चुकी है मस्त सर्विस, और मैं आ रखा था अजय बुलेट के यहाँ। तो ये काफ़ी बढ़िया काम करता है भाई बुलेट का। मैं सर्विस सेंटर में इसलिए नहीं जाता ना कि वो काम उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं करता जितना परफेक्ट ये काम करता हो भाई। अभी बाइक चल रही है, मतलब ऐसा जेन्युइन, तुम बिलीव नहीं करोगे यार, बाइक मतलब इतनी मज़ेदार चल रही है ना, लग रहा है कि अभी जस्ट मैं नया शोरूम से ही निकाला हूँ भाई। काफ़ी स्मूथ बाइक चल रही है। तो डायरेक्ट चलता हूँ डीटीओ ऑफिस में ना चल के यार, जो अपना नंबर वाला प्रॉब्लम था ना जो लास्ट टाइम गया था तो वो तो बंद था, तो आज चलते हैं ना वो काम को भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो काम कराना भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार बाइक को ऑलरेडी चलाना है, और जब तक मैं अपना नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाऊँगा तब तक मैं चलान भर नहीं सकता हूँ। तो फटाफट से चलते हैं यार डीटीओ ऑफिस। हेलो, हम लोग आ चुके हैं भाई डीटीओ ऑफिस, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ी लगी यार, पता नहीं इतना ज़्यादा गाड़ी क्यों लगा है। तो हम भी लगाते हैं, यहाँ पर चलते हैं अंदर, पता करते कि क्या प्रोसेस है और कैसे होने वाला है। तो गाइज यार काफ़ी बढ़िया सा भाई डीटीओ ऑफिस बनाया गया, देख लो ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है भाई कि कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, और वो भी इतनी साफ़ सुथरी और चकाचक। देख लो काफ़ी बढ़िया सा भाई, हर जगह काउंटर बना है, कुछ काउंटर इधर है और काफ़ी सारा काउंटर उधर है। तो चल के दिखाते हैं, इतना सारा काउंटर है भाई इधर, तो काफ़ी बढ़िया मेंटेन करके बनाया। तो अभी चलते हैं, हम अपना पूछ लेते हैं कि कैसे होगा काम यहाँ पे भैया से। तो गाइस देख लो यार, क्या बढ़िया सा ऑफिस बनाया गया है ना, मस्त चकाचक टाइल्स वाइल्स लगा है भाई। फर्स्ट टाइम देखा कुछ इस तरह का भाई डीटीओ ऑफिस, और देखने में ना मेरे का दिल खुश हो गया भाई यहाँ पे, और काम भी इतना बढ़िया से हो रहा है ना, सारा यहाँ पे स्टाफ ना पोलाइट है यहाँ पे। मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था ना भाई, कुछ इस तरह का बिल्डिंग है और काफ़ी बढ़िया सा भाई कंस्ट्रक्शन किया गया, देखने में ना ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये डीटीओ ऑफिस है।
देख लो ना क्या बढ़िया से भाई मेंटेन करके रखा गया इस ऑफिस को, पूरा डिजाइन में बनाया गया यार। मेरे को ये डिजाइन ना सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे पूछा कि भाई मेरा नंबर अपडेट कराना है, तो उन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से अपना नंबर खुद से अपडेट कर लो। तो चलो ये काम सही है कि यहाँ लाइन में तो लगना नहीं ना पड़ेगा, वो काम मेरा घर से ही हो जाएगा। तो फिलहाल यार अभी चल रहे घर पे, और टाइम मैं बता देता हूँ, लगभग अभी टाइम 1:30 बजे के आसपास का हो चुका है। और देख लो मौसम भाई, ऐसा लग रहा है ना कि अभी दोपहर नहीं शाम, सुबह का टाइम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड है यार। आज तो लिटरली इतना, आज बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। मैंने काफ़ी टाइम तो सर्विस वाले के पास ही खड़ा रहा, फाइनली बाइक जो अपनी है ना अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, तो और सुबह से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो चलते यार फटाफट से पहले घर पे चल के खाना पीना खाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भूख मेरे को काफ़ी तेज़ लगा है। तो यार मेरी बाइक की आज ना मस्त सर्विस हो गई और बाइक काफ़ी बढ़िया चल रही है, चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली ना मैं भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद ना इस बार मैं अपनी सर्विस कराया, तो फाइनली आज ना तो आज गाइस इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो भाई सब क्या बता सकते हैं, मतलब तगड़ी वाली ठंड है। और अभी देख लो अर्षद क्या लेकर आ गया, किसेस, मतलब हर्षी का ये चॉकलेट है, और ये इंडियन नहीं यार, ये बाहर की चॉकलेट है। तो आज हम लोग इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और इसे टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला। तो अभी अनबॉक्स करेगा अर्षद, हो जाएगा तुमसे? कहाँ लिखा इसमें 70 पीस है? तो गाइस इसमें लिखा है ना कि फुल पैकेट में 70 पीस होगा, तो अभी देखते हैं ना इसमें कितना पीस है टोटल। और देख लो भाई कितना, ये पता है किसके तरह लग रहा है, एक पटाखा आता है, पॉप अप पटाखा आता है उसी के तरह है, उसका बड़ा वर्जन है। तो गाइस देख लो ना ये पटाखा के तरह लग रहा है, ओ भाई कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तुम लोग गिनो, एक तो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। मैंने टोटल को काउंट किया ना, इसे मिलाकर एक ना ओपन मिल गया था, इसका पैकेट खुला था, तो टोटल 72 पीसेस मिल गया। एक मैंने खाया और एक ये, और ये टोटल 70 पीस। और देख लो ना गाइस ये पॉपअप चॉकलेट, ये पॉपअप जो एक पटाखा था ना उसके तरह भाई, और यहाँ पे उसमें फीता जो रहता है ना पटाखे में आग लगाने वाला, उसी की तरह देखने में लग रहा है, मगर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने तो ट्राई किया भाई, मेरे को मज़ा आ गया ये चॉकलेट खाकर भाई, सही सच में ये टॉफ़ी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है।